नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ इमानी। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भूपेश आज हितग्राहियों को देंगे तोहफा। हितग्राहियों को 7.5 करोड़ रुपए का करेंगे भुगतान। गोबर से करीब 9000 लीटर प्राकृतिक पेंट निर्मित। 3307 लीटर प्राकृतिक पेंट, पेंट के विक्रय से 7 लाख से अधिक की आय। रायपुर, दुर्ग और कांकेर गोबर से पेंट बनाने की 5 यूनिट क्रियाशील। गोबर से प्राकृतिक पेंट उत्पादन की 37 इकाइयां निर्माणाधीन। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम भूपेश आज हितग्राहियों को देंगे तोहफा। हितग्राहियों को 7.5 करोड़ रुपए का करेंगे भुगतान। गोबर से करीब 9000 लीटर प्राकृतिक पेंट निर्मित। 3307 लीटर प्राकृतिक पेंट, पेंट से 7 लाख से अधिक की आय होगी। रायपुर, दुर्ग और कांकेर गोबर से पेंट बनाने की 5 यूनिट क्रियाशील। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सीएम भूपेश आज हितग्राहियों को देंगे तोहफा। हितग्राहियों को 7.5 करोड़ का करेंगे भुगतान। बड़ी खबर और यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश आज हितग्राहियों को देंगे तोहफा। हितग्राहियों को 7.5 करोड़ रुपए का करेंगे भुगतान। गोबर से करीब 9 लाख लीटर प्राकृतिक पेंट निर्मित। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में एक दिवसीय क्रिकेट मैच, न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला जाएगा एक दिवसीय क्रिकेट मैच। 11 तारीख को ऑनलाइन पेमेंट कर कोरियर से कर सकेंगे प्राप्त। स्टूडेंट को आईडी कार्ड दिखाने पर मिलेगी 300 रुपए में टिकट। आम लोगों के लिए 500, 1000, 1200 रुपए है निर्धारित। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में एक दिवसीय क्रिकेट मैच का होगा आयोजन। न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला जाएगा क्रिकेट मैच। 11 तारीख को ऑनलाइन पेमेंट कर कोरियर से प्राप्त कर सकेंगे टिकट। स्टूडेंट्स को आईडी कार्ड दिखाने पर मिलेगी 300 रुपए में टिकट। आम लोगों के लिए टिकट के रुपए 500, 1000, 1200 रुपए निर्धारित कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन होगा। क्रिकेट मैच न्यूजीलैंड और भारत के बीच खेला जाएगा। 11 तारीख को ऑनलाइन पेमेंट कर कोरियर से प्राप्त कर सकेंगे टिकट। स्टूडेंट को आईडी कार्ड दिखाने पर 300 रुपए में मिलेगी टिकट। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं रायपुर से। आपको टिकट्स आपको 11 तारीख के 4 बजे के आसपास ऑनलाइन हो जाएगी और ये पेटीएम के वेबसाइट्स पे आपको अवेलेबल होगी। पेटीएम भी एजेंसी है उस टिकट की ऑनलाइन के लिए। शुरू में जो टिकट्स 3 दिन तक जो भी आप जो भी ऑनलाइन परचेज करेगा उसको कोरियर की व्यवस्था की गई है, उसके पास टिकट फिजिकल कोरियर जाएगी और उसके बाद अगर टिकट्स जो हैं वो फिर हमारे सेंटर्स रहेंगे, कियोस्क जो भी रहेंगे, बॉक्स ऑफिस वगैरह, और वहां से फिर टिकट हम फिजिकली देना चालू। मैं इस खबर की ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड जुड़ चुकी है चित्रा पटेल। चित्रा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर, कब ये क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा? जी मानी, छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने जा रही है। 21 जनवरी को यह मैच शुरू होगी और इसकी तैयारी को लेकर जो है शुरू हो चुकी है। नया रायपुर स्थित वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो है जबरदस्त मुकाबला होगा। और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ क्रिकेट कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए टिकट की बिक्री और उसके रेट को लेकर तय किया गया है। विद्यार्थियों के लिए जो है टिकट 300 रुपए से शुरू होगा। एक छात्र को एक टिकट दिया जाएगा और वही अन्य 500 से लेकर शुरू होंगे। 300, 500, 1000, 1200, 50, 1500 और वही सिल्वर टिकट को लेकर 5000 रेट रखा गया है। गोल्ड
गोल्ड टिकट के लिए 6,000 और प्लेटिनम के लिए 7,000 का टिकट है, और कॉर्पोरेट बॉक्स के लिए जो है एक सीट का रेट जो रहा है उसका 10,000 रेट रखा गया है। टिकट की बिक्री 11 जनवरी से शुरू की जाएगी और यह टिकट ऑनलाइन वॉलेट पेटीएम से के माध्यम से टिकट बुक की जाएगी, घर पहुंच सेवा होगी। मैच देखने वालों की बात कहें तो इस समय जो हर बार जो है मैच जब भी होती है तो छत्तीसगढ़ के दर्शक जो है स्टेडियम में भरे नजर आते हैं, और इस बार भी मैच देखने वालों की जो है संख्या काफी भीड़ होगा और किसी तरह से भी दिक्कत ना हो इसके लिए खास ध्यान रखा गया है। अलग अलग टिकट रेट वालों के लिए अलग अलग गेट की एंट्री दी जाएगी और 12 गेट बनाए गए हैं दर्शकों के लिए। स्टेडियम में के पास जो है अधिकतम 1 किलोमीटर दूर पार्किंग का इंतजाम किया गया है और चैंपियन ट्रॉफी के दौरान होने वाले दिक्कत दूर की जाएगी। जब भी क्रिकेट मैच हुआ होता है तो वीर नारायण सिंह स्टेडियम में जो है दर्शकों से भरा हुआ रहता है, और इस बार भी जो है भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन को की ड्यूटी जो है ज्यादा बढ़ाई जाएगी, जो कि छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच एक दिवसीय हो रही है, इसको लेकर काफी लोगों में काफी उत्साह का माहौल है। और 19 जनवरी को जो है ये क्या बोलते हैं 19 जनवरी को आ जाएंगे क्रिकेटर और 20 जनवरी को प्रैक्टिस करेंगे, और वही 19 जनवरी को 2 बजे करीबन जो है एयरपोर्ट पहुंचेंगे खिलाड़ी, और उनके रहने के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। वो पास होटल में जो है उनकी व्यवस्था की है, नजदीक होटल में जिला कार्यालय के संघ के, और प्रैक्टिस कराएंगे 20 तारीख को खिलाड़ियों का प्रैक्टिस होगा, 31 तारीख से जो है मैच शुरू हो जाएगी। जी चित्रा, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि नारायण सिंह स्टेडियम में कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है? जी वीर नारायण सिंह स्टेडियम में बैठने की संख्या जो है ये 25 जो है वो खंड 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 में जो बना रहा था वो है, और उसमें करीबन जो है 25,000 करीबन जो है वहाँ पर रहने के लिए उनके व्यवस्था की गई है, और वहाँ पर जो है अलग अलग एंट्री अलग अलग गेट से दिया गया है, और वहीं पर कहें तो खाने पीने का जो बात को लेकर कहें तो 50 रुपये में 2 समोसा मिलेंगे और 40 रुपये में सैंडविच दिया जाएगा, मतलब पानी फ्री दिया जाएगा, और अंदर से कोई भी खाने पीने का चीज जो है दर्शक नहीं ले जा पाएंगे इसको ले, और जो एक्स्ट्रा अगर ज्यादा रेट में बेचा जाएगा तो उसकी सुरक्षा उसकी इस तरह से बिक्री ना हो, कोई ब्लैकमेलिंग वाला कोई का टिकट ना हो, उसके लिए खास सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। जी चित्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह अहम जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने जा रहा है। आपको बता दें कि 21 जनवरी को नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में एक दिवसीय मैच का आयोजन किया जाएगा। मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगा। टिकट के पैसों की घोषणा छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के प्रमुख ने की है। विद्यार्थियों के लिए 300 रुपये में टिकट उपलब्ध कराई जाएगी। अन्य टिकट 500, 1000, 1200 और 1500 की टिकट होगी। सिल्वर टिकट 5000, गोल्डन टिकट 6000 और 7000 में मिलेगी। इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। इस मौके पर हमारे ब्यूरो चीफ चित्रा पटेल ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के प्रमुख जुबिन शाह से खास बातचीत की है। इसको लेकर हम अभी चर्चा करेंगे। अभी 20 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच होने वाला है, 21 तारीख को, तो किस तरह से क्या तैयारी है? हमने इसकी तैयारी के लिए हमने विभिन्न कमेटियां बनाई हुई है, और उन कमेटियों में हमने अपने पुराने जो अनुभवी एसोसिएशन के लोग हैं जिनको मैच आयोजित करने का अनुभव है उनको हमने शामिल किया हुआ है। कमेटियां जैसे सिक्योरिटी हो गया, टिकटिंग हो गया, फूड हो गया, मीडिया हो गया, तो इस टाइप की अलग अलग कमेटियां हैं हमारी, और वो सब कमेटियां जो है अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी वो अपना अपना काम कर रहे हैं। और पुराना अनुभव रहा है हमें IPL के समय और चैंपियंस ट्रॉफी और ये सब हमने पहले कर चुका है यहाँ पे, तो सब जो है एज पर हमारा गाइडलाइंस, BCCI की गाइडलाइंस भी होती है इसमें, एज पर गाइडलाइंस सब चीज कर रहे हैं। लोगों के टिकट के लिए किस तरह से टिकट की बिक्री की जाएगी, कितने कितने रेट रखा गया है? टिकट की बिक्री जो है 11 तारीख को 4 बजे के आसपास से लाइव हो जाएगी। ये ऑनलाइन अवेलेबल रहेगी, पेटीएम पे अवेलेबल रहेगी, उसके वेबसाइट पे, और पेटीएम इनसाइडर एक ऐप होता है
उसमें टिकट अवेलेबल रहेगी और 14 तारीख या 15 तारीख से हम जो है शहर के अलग अलग जगहों पे काउंटर्स भी खोलेंगे जहां से फिजिकली भी अवेलेबल रहेगी टिकट। ये क्रिकेट जो ग्राउंड है वो बॉलिंग और बैटिंग का होता है, उसके पीछे कौन सा रहेगा? जो अपना मैच जो है ग्राउंड हमारे पास ही है और उसकी जो है पूरा क्यूरेशन हम स्वयं कर रहे हैं उसका, तो और वैसे भी बॉलिंग बैटिंग अलग अलग साइड से होती है, साइड्स चेंज करते हैं, एक बार बॉलिंग साइड होती है, एक बार बैटिंग साइड होती है, वही जो है वो बैटिंग साइड बन जाती है, फिर चेंज करते रहते हैं। आपका परिचय? मैं जुबिन शाह, CSCS अध्यक्ष। तो हमने अभी छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ से अभी चर्चा कर रही थी, हमने अभी उनसे अभी 21 तारीख को 21 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच पहली बार छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, इसको लेकर हमने छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ से चर्चा की, जैसे हमने चर्चा की उन्होंने लोग टिकट को लेकर बताया कि स्टूडेंट का टिकट जो रहेगा उसको 300 से रहेगा और उसके बाद बाकी का 500,000, 7,000 और 10,000 ऐसे टिकट रखे गए हैं, और सुरक्षा का दृष्टि कर देखें तो जो है पुख्ता इंतजाम किया गया है। कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, आर्यन न्यूज, रायपुर। वही दंतेवाड़ा जिला में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत जिला दंतेवाड़ा के कई गांव के व्यक्ति जो प्रतिबंधित नक्सली संगठन में सक्रिय हैं उन्हें आत्मसमर्पण कर सम्मान पूर्वक जीवन यापन करने के लिए थाना कैंपों और ग्राम पंचायतों में संबंधित क्षेत्र के सक्रिय माओवादियों के नाम चस्पा कर लोन वराटू घर वापिस आइए अभियान चलाया जा रहा है। लोन वराटू घर वापिस आइए अभियान से प्रभावित होकर 8 इनामी माओवादी सहित कुल 10 माओवादियों ने उप पुलिस महानिरीक्षक दंतेवाड़ा रेंज, उप पुलिस महानिरीक्षक CRPF के सामने आत्मसमर्पण किया है। जहाँ पे आज से कुछ वर्ष पूर्व ना केवल पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था परंतु पत्रकार को भी मौत के घाट नक्सलियों ने उतारा था और इनमें से एक जो हमारा भाई है नंदा माड़ी उसके ऊपर 11 अपराध दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर से आए नक्सली जो कि आंध्रा से आए नक्सलियों ने यहाँ के भूले वाले आदिवासियों का उनको ब्रेन वॉश किया है, उनको दिग्भ्रमित किया है और जैसे जैसे शासन की नीतियां अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं, जैसे जैसे सड़क बन रही है, जैसे जैसे मोबाइल टावर लग रहे हैं, वैसे वैसे जो असलियत है वो भी जनता के सामने आ रही है और वो सब शांतिपूर्वक अपना खुशहाली से अपना जीवन जीना चाहते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, धान खरीद पर राज्य सरकार का दावा, किसानों से 89 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, 20.81 लाख किसानों को 18,266 करोड़ रुपए का भुगतान, कस्टम मिलिंग के तहत 65 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, धान खरीद पर राज्य सरकार का दावा, किसानों से 89 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, 20.81 लाख किसानों को 18,266 करोड़ का भुगतान। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, धान खरीद पर राज्य सरकार का दावा, किसानों से 89 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, 20.81 लाख किसानों को 18,266 करोड़ का भुगतान। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, नीमिया मुक्त भारत अभियान, अभियान में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर, आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जा रहा, एनीमिया दूर करने के लिए किया जा रहा वितरित, केंद्रीय रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में तीसरे स्थान पर प्रदेश, गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से दिया जा रहा है सप्लीमेंट। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, एनीमिया भारत मुक्त अभियान के तहत छत्तीसगढ़ राज्य तीसरे स्थान पर, आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जा रहा है, एनीमिया दूर करने के लिए किया जा रहा है वितरित, केंद्रीय रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में तीसरे स्थान पर रहा छत्तीसगढ़।
गर्भवती महिलाओं को नियमित रूप से दिया जा रहा है सप्लीमेंट, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर रहा। वही कवर्धा जिले के सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में आज सुबह एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे कारखाना प्रबंधन सहित जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। ये घटना सुबह लगभग 8 बजे की है, जहां मृतक मशीन में काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक मशीन की चपेट में आने से उसका शरीर मशीन में फंस गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिजनों ने बिना पंचनामे के शव को उठाने का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम, एसडीओपी और कारखाने के एमडी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद परिजनों की मांग पर तुरंत 5 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात लिखित में दी गई। घटना के बाद जिला कलेक्टर ने मामले की जांच करने और पूरे कारखाने में सुरक्षा मानकों को लेकर जांच कराने की बात कही है। आज सुबह पंडरिया स्थित शुगर फैक्ट्री में एक श्रमिक कारखाने में जो कार्य करता था ठेका श्रमिक के रूप में, उसका दुखद देहांत हुआ है। और जो भी एक्सीडेंट हुआ है उसकी विशेष रूप से पुलिस तो जांच कर रही है, इसके अतिरिक्त इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा भी जांच की जाएगी। उस श्रमिक के परिवार को 1 लाख रुपए तात्कालिक रूप से हमने सहायता राशि प्रदान की गई है। वही खबर बीजापुर से है, जहां नगर पंचायत भैरवगढ़ में राहत शिविर लगाया गया, जहां पूर्व मंत्री महेश गागड़ा पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। राहत शिविर में पत्ता गोदाम के निवासियों ने मौजूदा राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। वहीं शिविर में आए लोगों का कहना था कि कांग्रेस सरकार जिस प्रकार झूठ बोलकर सत्ता हासिल की, उसका नतीजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इस दौरान बीजेपी उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजापुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां राहत शिविर का आयोजन किया गया और इस दौरान पूर्व मंत्री महेश गागड़ा भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिविर में शिरकत की, साथ ही साथ राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का भी उन्होंने आरोप लगाया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू और साथ ही अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बीजापुर से आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, राहत शिविर का आयोजन किया गया, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा पहुंचे और समस्याओं को सुना, साथ ही साथ राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का भी उन्होंने आरोप लगाया। लोगों ने अपनी समस्याओं को पूर्व मंत्री महेश गागड़ा के समक्ष रखा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं बीजापुर से। वही दुर्ग में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला तकियापारा में बाल मेला और खेल दिवस शानदार तरीके से मनाया गया। बाल मेले में छात्रों ने एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाए, दही, गुपचुप, भेलपुरी जैसे कई छत्तीसगढ़ी व्यंजन देखने को मिले। साथ ही साथ खेल मेले का भी आयोजन किया गया, जिसने 100 मीटर की रेस, 200 मीटर की रेस, गोला फेंक, कबड्डी खेल जैसे खेल खेले गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र भी मौजूद रहे। दुर्ग से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां बाल मेला, खेल मेले का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि बड़ी संख्या में इस खेल में बच्चे शामिल हुए और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी यहाँ पर बनाए गए। दही, गुपचुप, भेलपुरी जैसे कई छत्तीसगढ़ी व्यंजन यहाँ पर बनाए गए। साथ ही साथ खेल मेले का भी आयोजन किया गया दुर्ग में, जिसमें 100 मीटर की रेस खेली गई, 200 मीटर की रेस भी खेली गई, गोला फेंक, कबड्डी जैसे खेल भी खेले गए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। दुर्ग से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बाल मेला और खेल दिवस का आयोजन किया गया। को होना था लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षाएं
होने के कारण हम लोगों ने इसे आज आयोजित किया है। और चूंकि दो वर्ष के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है तो बच्चे बहुत उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और बहुत कम समय में, लगभग एक दिन के समय में बच्चों ने ये पूरी तैयारी की है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कत्यापारा का एनुअल स्पोर्ट्स डे यहाँ पे आज बैगापारा स्टेडियम में किया जा रहा है। इसमें सभी बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहे हैं, सभी बच्चे सम्मिलित हो रहे हैं। इसमें 200 मीटर 100 मीटर कबड्डी और आपका रस्साकसी और गोला फेंक और बहुत सारे खेलों का आयोजन किया जा रहा है और सभी बच्चे इसमें अपना अपना जौहर दिखा रहे हैं। कोरोना की जो लहर चली थी उसके बाद जिस प्रकार से विद्यालय की सारी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गतिविधियां भी प्रभावित हुई थी, तो ये बच्चों का अधिकार था जो आज उनको मिला बाल मेले के आयोजन के रूप में। और बैक टू बैक तीन कार्यक्रम हमारे विद्यालय में होने वाले हैं आज, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप लोग आनंद भी ले रहे होंगे और बच्चों का आप जिस तरह से वेशभूषा देखेंगे ये सारा उनकी रचनात्मकता उनकी। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, सामुदायिक भवन में समारोह का आयोजन, सीएम भूपेश बघेल समारोह में हुए शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सामुदायिक भवन में समारोह का आयोजन, सीएम भूपेश समारोह में हुए शामिल। नवा रायपुर में होगी कबीर शोध संस्थान की स्थापना, मुख्यमंत्री ने भालू कोन्हा में कबीर सत्संग भवन, अहाता निर्माण, सीसी रोड निर्माण और सामुदायिक भवन। सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल हुए सीएम बघेल। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सामुदायिक भवन में समारोह का आयोजन और सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल हुए। नवा रायपुर में होगी कबीर शोध संस्थान की स्थापना, सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल हुए सीएम बघेल। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सामुदायिक भवन में समारोह का आयोजन किया गया, सीएम भूपेश बघेल इसमें शामिल हुए। वहीं वन मंत्री मोहम्मद अकबर की कार्यालय में स्टार अलंकरण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वन विभाग के अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि वन विभाग के पर्यवेक्षक 66 डिप्टी रेंजर से रेंजर बनाए गए। उन्होंने स्टार अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया और साथ ही रेंजर्स को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया और सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। रायपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, स्टार अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। परिक्षेत्र अधिकारी फॉरेस्ट रेंजर 8 लोगों को ट्रेनिंग लेके आने के बाद उनको प्रमाण पत्र दिया गया और 66 लोग थे जो डिप्टी रेंजर से रेंजर बने हैं, तो उनको स्टार लगा के एक स्टार अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। और अपनी ओर से मैंने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी है और उनसे उम्मीद ये किया गया है कि आप वनों की रक्षा और वन्य प्राणियों की रक्षा में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। माननीय वन मंत्री जी मोहम्मद अकबर जी के द्वारा 66 उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल और 8 प्रशिक्षु को प्रमाण पत्र दिया गया। माननीय वन मंत्री जी और अध्यक्षता हमारे प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय शुक्ला जी के द्वारा इनका स्टार अलंकरण का कार्यक्रम रखा गया था। वन मंत्री जी के मुख्य अतिथि में आज स्टार अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे 8 प्रशिक्षु वन क्षेत्रपाल जिन्होंने ट्रेनिंग करके अपना प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं कोयम्बटूर और कुंडल से, उनको प्रमाण पत्र वितरण किया गया है। साथ ही 66 ऐसे उप वन क्षेत्रपाल जिनका अभी अभी पदोन्नत होकर वो वन क्षेत्रपाल के पद पे गए हैं, उनका स्टार अलंकरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें माननीय वन मंत्री जी द्वारा उनका स्टार लगा के और उनको पदोन्नति होने की बधाई और शुभकामना दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।